नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे ओमान मस्कत से रिलेटेड। हालांकि काफ़ी सारे लोगों के मैसेज कमेंट आ रहे थे, सर फ्लाइट के बारे में बताइए, तो भाई हम फ्लाइट से बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं साथियों, क्वारंटाइन टाइम भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो भाई देखो आपको पता अभी हो जाएगा, 14 दिन की बजाय घटा के 7 दिन कर दिया गया है। क्योंकि भाई जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इंडिया में भी बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लाखों 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब, अभी संख्या 1.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है इंडिया में। तो इनको देखते हुए आपको पता है कि जनसंख्या की हो रही है, जगह नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है भाई 7 दिन हम सरकारी क्वारंटाइन करेंगे, बाकी 7 दिन आपको अपने घर पे रहना पड़ेगा, ये शपथ पत्र में आपको लिख के देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो ये अपडेट आपको अच्छी लगेगी, शायद मैंने पहले भी बताया था भाई, जो लेट आएंगे जो धीरे धीरे बाद में आएंगे उनके लिए फायदा होता रहेगा और ये बेनिफिट आपके लिए हो गया। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो साथियों चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई ओमान की बात करें, 11 दिन में 12 फ्लाइटों का शेड्यूल है। जी हाँ साथियों, तो फ्लाइटें तो ठीक है भाई, 11 दिन में 12 फ्लाइट है, यानी पर डे 1 फ्लाइट का एवरेज आ रहा है। तो मैं आपको डेट टाइम सब कुछ बता दूंगा, आप ध्यान रखें। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो भाई आपका पास कभी भी कॉल आ सकता है, आपके पास मैसेज आ सकता है। टिकट का पैसों की तैयारी रखिए, किस तरह से वो आपसे टिकट का पैसा लेंगे या ऑनलाइन भुगतान करेंगे, वो आप अपने स्तर पर, आपसे एम्बेसी जब भी कॉल आएगा तो आप कन्फर्म कर लीजिए। सबसे पहले बात करें साथियों, 28 मई 2020 यानी 28 मई को मस्कत से फ्लाइट है ओमान से कोच्चिकोड़े केरला के लिए। जी हाँ साथियों, 28 तारीख को फिर एक फ्लाइट है सलाला मस्कत की है कन्नूर, ये भी केरला के लिए है साथियों। 29 मई को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से, ये भी कोच्चि केरला के लिए है। 30 मई को साथियों एक फ्लाइट है, वो है हमारे जयपुर राजस्थान के लिए। जी हाँ साथियों, तो राजस्थान के लिए देख लीजिए भाई, राजस्थान के खूब लोग रहते हैं ओमान में, तो राजस्थान की एक फ्लाइट है 30 मई को। 30 मई को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से अहमदाबाद गुजरात के लिए। जी हाँ साथियों, 30 मई को फिर एक फ्लाइट है साथियों त्रिवेंद्रम केरला के लिए, यानी 30 मई को 3 फ्लाइट है साथियों, 3 फ्लाइटों का शेड्यूल है। 31 मई को साथियों एक फ्लाइट है सलाला से कन्नूर केरला के लिए। उसके बाद आ जाते हैं 1 जून, 1 जून को मस्कत से कोच्चिकोड़े केरला के लिए साथियों एक फ्लाइट है। आगे हम बात करें साथियों, 1 जून को फिर एक सलाला से फ्लाइट है कन्नूर केरला के लिए। 2 जून को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जी हां साथियों, 3 जून को एक फ्लाइट है साथियों मस्कत से भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए। जी हां साथियों, 3 जून को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से कन्नूर केरला के लिए। 4 जून को फिर एक फ्लाइट है साथियों मस्कत से कोच्चि केरला के लिए। 4 जून को फिर एक फ्लाइट है मस्कत से त्रिवेंद्रम केरला के लिए। 7 जून को फिर एक फ्लाइट है 2 दिन बाद में मस्कत से चेन्नई केरला के लिए। जी हाँ साथियों, मैंने आपको बता दिया साथियों 11 दिन में 15 फ्लाइटों का शेड्यूल। तो भाई फ्लाइटें ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन मैं बता दूं भाई टोटल की टोटल ये मान लीजिए उधर ही जा रही हैं, कोच्चि केरला तंदूर फंदूर उधर ही सब की सब फ्लाइट हैं। एक राजस्थान की फ्लाइट आप मान सकते हैं, बाकी की बाकी साथियों टोटल की टोटल फ्लाइट उधर की हैं। जी हाँ साथियों, ये तो बड़ी माइनस बात है यार, ये तो बड़ी गंदी बात है, इसमें मैंने तो गौर ही नहीं किया। एक राजस्थान की फ्लाइट है, बाकी टोटल टोटल साथियों फ्लाइट वही है जम्मू एंड कश्मीर की, हमारे कोई काम की नहीं है, वो उधर की है यार। ये क्या हो गया, 13 फ्लाइट में 13 फ्लाइट जम उधर की है चेन्नई। साथियों अब क्या कर सकते हैं भाई, जो शेड्यूल है उनके ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, कुछ न कुछ रीज़न है, इस वजह से वहाँ के यात्री ज़्यादा हैं, इस वजह से उधर फ्लाइटें जा रही हैं। बस साथियों अपडेट यही था, मैंने आपको दे दिया। आगे जैसे कोई नया अपडेट आता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।